भारतवर्ष में इन दिनों राम नाम की धूम है। पवित्र सरयू तट से लेकर आसमान तक प्रभु श्री राम की जय घोष से गुंजायमान हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले 7 दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान और पूजन विधि शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इस शुभ मेला में 7 दिनों तक कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान होंगे और कैसे भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में वो शुभ बेला आ गई है जिसका करोड़ों भारतीयों को वर्षों से इंतजार था। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके पहले नए राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो गए हैं। अब 7 दिनों तक यहां विधि विधान से पूजा की जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्तिकार योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया है। आज प्रायश्चित और कर्मकोटि पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। सबसे पहले राम मंदिर को सरयू नदी के जल से धोया गया है। वहीं अयोध्या के सरयू तट पर विष्णु पूजा और गोदान होगा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को अयोध्या में जलाई गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में इस अगरबत्ती को जलाया गया है। यह अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। यह करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस अगरबत्ती का वजन 3610 किलोग्राम है और ये लगभग 3.5 फीट चौड़ी है। अगरबत्ती तैयार करने वाले वडोदरा के विहा भरवाड़ ने बताया कि 376 किलोग्राम गुग्गल यानी कि गोंदराल, 376 किलोग्राम नारियल के गोले, 190 किलोग्राम घी, 1470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटियों को मिलाकर अगरबत्ती को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई दिल्ली में प्रतिष्ठित कुतुब मीनार की लगभग आधी है। वहीं अब आपको बता दें कि 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति का परिसर में प्रवेश होगा। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास किया जाएगा। 19 जनवरी की सुबह औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास और शाम को धान्यधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह शर्कराधिवास, फलाधिवास और शाम को पुष्पाधिवास और 21 जनवरी की सुबह मध्याधिवास और शाम को श्यायधिवास होगा। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह के लिए अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य हैं। MKN न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।